उनसे शादी कर ली थी, इसलिए हिंदुओं ने उनका बायकॉट कर दिया। आप एक बात बताओ, पहले हिंदू आए कि पहले ब्रह्मा आए? ब्रह्मा बिल्कुल। हाँ, तो अगर ब्रह्मा आए, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, तो साले तुम कौन होते हो बोलने वाले कि नहीं हम आपको बायकॉट कर रहे हैं? और चलिए ठीक है आपने बायकॉट कर दिया, नहीं चलिए ठीक है आपने बायकॉट कर दिया, तो भैया एज पर वेदा ब्रह्मा विष्णु एंड महेश, ये तीन गॉड है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सबसे पहले आए। हमारे शिव ने, हमारे शंकर जी ने पार्वती जी से शादी की, ठीक है, उसका एविडेंस मिलता है कि वो पूरा बारात वरात लेके गए थे। मतलब बारात वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा और इसके ऊपर देखिए कि बारात को लेके गए, तो उसमें जो पार्वती के जो पिताजी थे, उन्होंने भूतों को देख के और राक्षसों को देख के उन्होंने शादी से मना कर दिया, तो पार्वती जी आग के ऊपर कूद के उन्होंने अपना दहन कर दिया। फिर हमारे शंकर जी की तीन आंख खुल गई थी, उसके बाद फिर पार्वती जी अगला जन्म ली, तो फिर शंकर जी और पार्वती जी की शादी हुई। यहाँ पे जैसे जो आते हैं लोग, एथिस्ट आते हैं, एग्नोस्टिक्स आते हैं, हिंदू लोग आते हैं, कि वो जैसे ये आप लोग के जैसे मोहम्मद साहब हैं, देखिए 56 वर्सेस 6 करते हैं, ठीक है, तो 56 माइनस 6 इज इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है। आपके शिव जी की एज जब वो पैदा हुए और जब पार्वती जी पैदा हुई, ठीक है, क्योंकि एज पर हिंदू रिलीजन आप चलो ठीक है विष्णु का बोल दो कि सीता जी थी, ये थी, वो थी, तो बोलते कि वो अवतार लिए। शिव जी की जो पार्वती थी, पार्वती ने कब अवतार लिया? पार्वती वॉज द फर्स्ट वुमेन ना जिन्होंने शंकर जी से शादी किया। हो सकता है कि 2000 साल छोटी हो सकता है 5000 साल छोटी हो, और अगर इनके वेदास के अकॉर्डिंगली आ जाए तो पता नहीं कितने करोड़ साल छोटी हो। तो ये सब जो चीजें आप क्या बोलते हो तकिया, मुझे इसका मतलब नहीं पता, एक्चुअली मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन ये जो तकिया तकिया जो भी करते हैं वही चीजें हैं ये सब। और इन लोगों के बाद से अगर आप आ जाओ ना, तो बस आप सर पकड़ोगे, क्योंकि मैं इसलिए सर पकड़ता हूँ ना, क्योंकि देखिए मैं अभी किसी भी धर्म पे नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानता हूँ, मतलब ईश्वर अल्लाह जो भी कह लीजिए मैं उसको मानता हूँ। मैं एथिस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इतनी बड़ी जो दुनिया है, इसके जो जो भी जो वर्किंग जो एलिमेंट्स हैं, वो किसी ना किसी ने बनाए हैं, ठीक है। और मैंने फर्स्ट टाइम आप ही के चैनल पे आया, तो मैंने ये चीज बताया था कि मैं दो धर्म के ऊपर चल रहा हूँ, एक धर्म का मैंने पूरा स्टडी कर लिया, मुझे पता चल गया कि उसमें तो भगवान है ही नहीं, ठीक है, तो अभी मैं दूसरे धर्म की तरफ जा रहा हूँ, तो चलिए ठीक है। लेकिन इन लोगों के ऊपर ना ये क्वेश्चन करने चाहिए सर। आप जानते हैं आमिर सर, मैं आपको एक चीज बताऊं, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आपसे मुझे बहुत डर लगता है। देखिए इनसे आप ना इस्लाम या अपने कुरान या फिर जो क्या हदीस, इस तीनों को ऊपर लेके अगर आप क्वेश्चन करिएगा ना, तो इनको कभी बात नहीं समझ में आएगी। इनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, आप एक सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछो, चलो ठीक है आप भूल जाओ एक के लिए कि आप मुसलमान हो, आप इनसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछो कि हाँ ये चीज है तो कैसे है। भैया हमारे विष्णु जी ने 10 अवतार ले लिए, ठीक है, ब्राह्मणों ने 11वां अवतार इनको क्या कहते हैं बुद्ध को बना दिया कि नहीं ये 11वें अवतार थे। बुद्ध जो है वो आज से लगभग अभी हम लोग 2022 में है, तो मान के चलिए कि 3000 साल पहले आए। 3000 साल पहले इनके जो 10 अवतार आए वो कितने कितने गैप में आए, आप उनसे ये पूछे कितने कितने गैप में आए, वो नहीं पता उनको, नहीं पता, और वो बता भी नहीं सकते हैं, वो बता भी नहीं सकते हैं। मैं तो कसम से ढूंढता हूँ कि कोई बंदा आ जाए कि जो दलित को ये लोग गाली देते हैं ना, दलितों के साथ इन लोगों ने क्या क्या किया है, शुरू से क्या क्या किया है ना, अगर इस चीज के ऊपर आ जाए तो इन लोगों को नंगा करके भेजूंगा मैं किसी भी डिबेट से। ये लोग जो दलितों के ऊपर आते हैं कि हाँ दलित ही हैं, मतलब एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, एज पर सनातन धर्म जो दलित हैं, शूद्र जो हैं, वो स्वर्ग जाने के लायक ही नहीं है, वो स्वर्ग जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग जाने के लायक कौन होता है, जो वेद पुराण तपस्या यज्ञ ये सारी चीजें करता है, ठीक है। और शूद्रों को कोई भी तपस्या कोई भी वेद पढ़ना सुन, मतलब पढ़ना तो छोड़ो सुनना तक, वो मतलब गलत है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ मार दो उनको, बिल्कुल 60,000 का फाइन किया है रिसेंटली, अभी सिर्फ मूर्ति छूने पे।
बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें होती हैं। यहीं पे मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो लोग बोलते हैं ना कि कास्ट सिस्टम नहीं है इंडिया में, वो लोग देख लें कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जब ओडिशा के जगन्नाथ मोहर टेम्पल में अपनी वाइफ के साथ गए थे, तो वहां पे ब्राह्मण जो था पुजारी, उन्होंने उनको स्टेप्स बिठाया था, सीढ़ियों के स्टेप्स पे, अंदर नहीं आने दिया था। वो प्रेसिडेंट थे, अब तो एक्स हो गए हैं, वो प्रेसिडेंट थे। उस लेवल पे भेदभाव हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि कास्टिज्म नहीं है इंडिया में, लोग भागते हैं। तो ये चीजें छुपी नहीं है किसी से, ये लोग इसका कोई डिफेंड करने ना आए इस पे कि है ही नहीं, होता ही नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है ना। तकिया भाई, तकिया तो कहता है, प्रेसिडेंट तक को नहीं छोड़ा गया सर। अरे आदित्य सर देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज बोलूं, मैं बहुत लॉजिकल बंदा हूं, एक बात बताओ, कास्ट जातिवाद ये कहां से आया, आया कहां से? क्या क्रिश्चियनिज्म में कास्टिज्म है? नहीं है। हिंदुइज्म में से आया, उसमें सबको पता नहीं, है। तो अगर हिंदुइज्म से आया, अगर हिंदुइज्म से आया तो मतलब कि इन लोगों में शुरू से था, तो उसको डिफेंड करना या उसके ऊपर वॉर करने की क्या जरूरत है भाई? कास्टिज्म जातिवाद आपके धर्म से आया, आप क्यों अब बोल रहे हो? हमारे गाँव में हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग, आप थोड़ा सा वो मत होइएगा, मतलब कि अभी भी हम अपने गांव जाते हैं ना, तो हम लोग जैसे कि चारपाई पे बैठते हैं ना, तो जैसे कि जो भी दलित होते हैं वो हमारे सामने ऊपर नहीं बैठ सकते, हमारी जो फैमिली जब बैठती है तो जमीन पे बैठते हैं। सर पता है मुझे, अभी भी है, मतलब कि ये प्रेजेंट बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल की बातें, अभी भी चल रही है, तो ये कोई ना कहे कि सर आप प्रेजेंट, सर देखो आप प्रेजेंट की बात करो, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूं, देखिए इंडिया पाकिस्तान जो अलग हुआ 1947 से, ठीक है, तो आमिर सर मैं आपसे बस ये, आमिर भाई आपको बोल सकता हूँ? जी जी भाई बिल्कुल बोलें यार, बस ये है कि इसको जरा कंक्लूड करेंगे क्योंकि आगे चलना है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मुझे निकालिएगा मत प्लीज, मैं रहना चाहता हूँ सनातनी भाइयों के लिए। मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, औरंगजेब के खिलाफ सबसे बड़ा अगर कोई लीडर बन के आया था वो थे शिवाजी, सबसे बड़ा लीडर जिन्होंने औरंगजेब को परेशान किया। परेशान वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे नहीं थे कि औरंगजेब को अपने उससे हटा दें, लेकिन शिवाजी जिस मूल के थे, मराठा जो थे, मराठा को हटाने वाले कौन थे? पेशवा थे ना, पेशवा कौन थे? सारे के सारे ब्राह्मण थे। इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल के, मैं आपको सारे के सारे लिंक्स दे दूंगा, मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, इन लोगों ने पॉलिटिक्स खेल के मराठास को बिल्कुल कमजोर किया, और जो ब्राह्मण जो होता है ना उसको एज अ वो लेके आया। भाई अगर आप देख लो ऋग्वेद यजुर्वेद जितने भी वेदा हैं भैया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना, अगर ब्राह्मण का काम है पढ़ना और पढ़ाना तो ये लोग फिर राजा कैसे बनने लगे? पेशवा में ये लोग राजा कैसे बनने लगे? कहां से आ गए ये लोग राजा बन गए? वो तो कहिए कि हाँ बिल्कुल। मुफ्ती साहब जो हैं वो नीचे, यासिर वाइदी साहब मौजूद हैं, तो हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं उनसे मैं इजाजत ले लेता हूँ जरा। मुफ्ती साहब मैं आपके लिए जगह बना रहा हूँ, लिंक आपके पास है तो आप जरा ज्वाइन कर लें। हमारे जो मुसलमान दोस्त हैं उनसे मैं इजाजत ले रहा हूँ, मैं बड़ा माजरा चाहता हूँ, दिल नहीं कर रहा, मगर आपसे जगह बनवानी पड़ेगी, ठीक है जी? जो हमारे मुफ्ती साहब ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर मसला, ठीक है, आ गया हजरत, आ गया। अहलन वसहलन हजरत, अहलन वसहलन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु हजरत, क्या हालचाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे, पता नहीं क्या वजह है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा ठीक किया जाए, या आपके पास वॉल्यूम का कोई इशू होगा जरा देख लें। हाँ कुछ मेरे पास ही मसला है, शायद लोकली है तो मुझे दोबारा आना पड़ेगा, या क्या? आप चलें, खैर मैंने कान में लगा लिया बहुत करीब करके फोन जी। और जी जी हजरत, जी आया हूँ, वेलकम, अहलन वसहलन, अल्लाह का बड़ा शुक्र हजरत। बड़ी जबरदस्त बातें चल रही हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह एक भाई ने इस्लाम कबूल किया, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके अलावा आदित्य भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मुसलमान हैं, इस्लाम कबूल किया इन्होंने। हमारे सीकर भाई जो हैं ये सनातनी बैकग्राउंड से हैं मगर ये इस्लाम को पढ़ रहे हैं, बहुत सी चीजों को भी, वैसे तो ईश्वर पर यकीन रखते हैं मगर अभी स्टडी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सनातनी कोई हैवी वेट कोई आया नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा, ये फिर ये कहते हैं हमको शर्म। देखिए आपने आज जो शुरू में बात की है, शुरू में स्ट्रीम के, वो मैं सुन रहा था थोड़ी देर के लिए, हमारे यहाँ चूंकि जुम्मा का वक्त होता है तो मैं पूरी नहीं सुन सका, तो मैंने सोचा था उसी वक्त के जुम्मा के बाद मौका मिलेगा तो एहतजाज कराने के लिए मैं जरूर जाऊंगा स्ट्रीम में।
जरूर। अच्छा, वो एहतजाज ये कराना है कि देखे भाई, इंडिया की आबादी का 21% हिस्सा, 270 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, आप उनको मशवरा ये दे रहे हैं कि जनाब वो पिस्ते खाएं, चिलगोजे खाएं, बादाम खाएं, तो वो कहां से खा लेंगे? और आप उनको ताना दे रहे हैं कि गोबर खाते हैं, भाई आप उनसे उनका गोबर क्यों छीन रहे हैं? ड्राई फ्रूट बड़े महंगे हैं मुफ्ती साहब, वो तो बहुत महंगे हैं। ये एहतजाज बनता है हजरत की, आपका एहतजाज जनवन है जी। जी देखें, ये गोबर मुखालिफ मुहिम जो आपने चलाई है ना, हम इस पर आपकी घोर निंदा करते हैं। ठीक हो गया, सही है जी, फिर खाएं हम। जी जी जी, मैं मेरा कमेंट हो गया, आप कॉलर ले लीजिए। जी जी जरूर। अच्छा, एक नॉलेज इस्लाम भाई भी हैं, उनको भी मैं वेलकम करना भूल गया हूँ। अहलन वसालन प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अतर भाई। जी जी अमीर भाई, बस दुआ आपकी, अल्लाह सलामत रखे। आज स्ट्रीम पर कोई बात करना चाहते हैं, आप अपना कमेंट रख लें, क्योंकि आप आए हैं तो आपसे बात नहीं हो पाई। जी बस मैं बस यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर हम कंपेयर करें जो हमारे जो एक्स मुस्लिम्स हैं वो जो स्ट्रीम्स करते हैं उसमें एंगेजमेंट का लेवल क्या होता है, और हम जो स्ट्रीम कर रहे हैं उसमें एंगेजमेंट का लेवल क्या है। कि इस वक्त मैं सीकर भाई और आदित्य भाई, उससे पहले जो एक भाई आए थे हिंदू, उनकी जब मैं बातें सुन रहा था तो एंगेजमेंट का लेवल आप देखें कि किस तरीके से हम डायलॉग करा रहे हैं, तो इट्स फैंटेस्टिक। मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। हमने उनसे लेट स्टार्ट की सारी चीजें और हम देखें कितने अच्छे से चल रहे हैं। वो वहां पे जाते हैं, किसी को बुलाते हैं, ये देखो जी हदीस है, ये देखो जी आयत है, ये देखो तबरी है, ये देखो ये है, बस ये बात होती है, उसके बाद उनको निकाल देते हैं। हम यहाँ कितना कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और किस तरीके से एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं विदाउट एनी यू नो उनकी तरह वो सब चीजें करना, तो बड़ा अच्छा लगता है, सब लोगों को इनफैक्ट अच्छा लगेगा। जबरदस्त जबरदस्त। सीकर भाई हमारे साथ रहेंगे स्टेज के ऊपर और आदित्य भाई भी हमारे साथ रहेंगे। हम आगे लेकर चलते हैं कि कोई सनातनी दोस्त हमें मिलते हैं तो इनसे हम बात करें ताकि कोई तकिया हमारे साथ ना कर सके। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से हमारे साथ मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, यानी इंडिया का नॉलेज है उनको, उस वहाँ की चीज़ों को समझते हैं, और अथर भाई भी, एक्नॉलेज भाई भी वहीं से हैं, और हमारे साथ दो भाई, विक भाई हमारे साथ सनातनी दोस्त हैं। विक भाई क्या कहिएगा, सनातनी नहीं है आप? पिछली बार हमारी बात हुई थी। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद आज का प्रोग्राम देख के आपने कहा मैं सनातनी नहीं हूँ। जी जी क्या कहिएगा, वो क्या था कि हाँ, तो एक बार टॉपिक को छोटा सा रीकैप कर दो तो फिर मैं उस पर कुछ कहूँ। हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, ये सवाल होता था सनातनी दोस्तों की तरफ से। आज कोई आ नहीं रहा, ये सवाल नहीं पूछ रहा कि हमको शर्रुल बरिया, क्योंकि मैंने 5-7 जगह पर देखा, हर जगह पर इन्होंने रटा होता था, कैसेट चलाते थे, हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, हमको शर्रुल बरिया क्यों कहते हो, कुरान में आयत आ गई है वर्स्ट ऑफ द क्रिएचर, तो आज इनको दिखाया है कि क्यों कहते हैं। सर मैं तो एथिस्ट हूँ, मेरे को क्यों कहते हैं शर्रुल बरिया? आपको यार एथिस्ट का तो मेरे ख्याल से नहीं है शायद शर्रुल बरिया। हजरत एथिस्ट को शर्रुल बरिया क्यों कहते हैं जी? देखें एथिस्ट तो मैं समझता हूँ कि शर्रुल बरिया में भी अगर कैटेगराइजेशन होगी, आई एम सॉरी टू से, मैं इन भाई को नहीं कह रहा हूँ, तो उसमें जो आखिरी कैटेगरी होगी वहां खड़े होंगे। और उसकी वजह है, देखें उसकी वजह है, हम उसको जस्टिफाई करते हैं, मैंने किसी को मॉक करने के लिए नहीं कहा। जी जी। जो मुशरिक है वो कम से कम ये है कि वो खुदा का कायल होता है, साथ में पार्टनर्स लगा देता है। लेकिन जो एथिस्ट है वो तो अपने क्रिएटर का मुनकिर है, तो जो अपने मालिक को ना पहचाने। तो अल्लाह ताला ने सूरह आदियात में जो घोड़ों की मिसाल दी है वो क्यों दी है? वो ये दी है कि घोड़ों की मिसाल, घोड़ों को देखो कि वो अपने मालिक का हक पहचानते हैं और उस हक का पहचानने के नतीजे में जंग के मैदान में कूद जाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। तुम लोग घोड़ों से बदतर हो कि तुम्हें अपने मालिक की पहचान नहीं है, ये वजह है। तो आप ही का काम है ना कि आप पहचान कराएंगे। हाँ तो बात सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको नहीं कहा, मैं एक बात कह रहा हूँ कि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं पहचान कराने के लिए। आप अगर ऑनेस्टी के साथ और अपनी फितरत के हिजाब हटाकर हमसे बात करेंगे तो यकीनन आपकी फितरत आपको गाइड करेगी उस एक बनाने वाले की तरफ के जिसने आपको बनाया और आपकी फितरत को बनाया है। जबरदस्त जबरदस्त जी विक भाई, एक बात मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती साहब ने जिस तरह का मॉक बिल्कुल नहीं किया, मैंने भी जो अपने प्रोग्राम का स्टार्ट में हिस्सा था उसमें रैशनल बुनियादों पर इस मुकदमे को एस्टैब्लिश किया, इस केस को मैंने
जो है वो एक्सप्लेन किया है कि शरुल बरिया के पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है। ये सिर्फ एक ताना नहीं है या एक गाली के तौर पर इसको ना लिया जाए, बल्कि ये एक नेचर है, एक साइकोलॉजी है जिसकी बुनियाद के ऊपर शरुल बरिया कहा गया है कि जानवरों से ये बदतर है। ठीक है जी, उलाई का कल अनाम बलहुम अजल, उनसे भी ज्यादा भटके हुए हैं कि देख कर नहीं देखते, सुनकर नहीं सुनते, जानते हुए नहीं मानते, ये बुनियाद है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको चीज किया जाए, क्योंकि आप अब सनातनी नहीं है, हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है। बाकी शरुल बरिया की जिस कैटेगरी में हजरत ने आपको रखा है, मैं उनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, आप उस कैटेगरी के अंदर तो बिल्कुल आते हैं। अब उसकी वजह आपके सामने रख देते हैं कि जिस तरह मुफ्ती साहब ने रखा कि आप अपने खालिक को, जो आपका बनाने वाला है मालिक, उसके साथ ही नमक हरामी कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि आप क्यों नहीं मानते, ये आप जरा बताइएगा ताकि हम भी जानने की कोशिश करें कि आप क्यों नहीं मानते। ठीक है सर, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक इटर्नल क्रिएटर को मानते हो तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि उसने जो कुछ बनाया है वो उसके दायरे के अंदर होगा। तो अगर उसके दायरे के अंदर है तो वो जाहिर सी बात है उसके बाहर की कोई चीज़ को किसी को नहीं दे सकता है, कि उसका एक दायरा है जो कि अनलिमिटेड मान लेते हैं, तो फिर उसके बाहर की चीज़ वो किसी को नहीं दे सकता है। लेकिन अगर हम इंसानों में देखें तो हाँ, इंसानों में समझा नहीं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, ये आपने क्या कहा कि वो क्या करे। जैसे अगर इटर्नल है एक खुदा, तो उसमें उसके ऊपर एक शर्त लागू होती है कि पहली चीज़ वो जो कुछ बनाएगा उस चीज़ के लिए ये लाजमी होगा कि जो चीज़ है उसमें जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो उसके खुदा में होने जरूरी हैं। क्यों, ये किधर है, वरना फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेट है, वो रंग बदल रही है अपना, तो अगर क्रिकेट के पास पावर है अपनी रंग बदलने का, नहीं एक मिनट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन जो गड़बड़ आप कर रहे हैं वो ये कि जो नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होने जरूरी है खुदा में, हर कैरेक्टरिस्टिक नहीं, नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। जी अब बोले इसका रीजन क्या है सर? इसलिए कि खालिक को हम सुप्रीम मान रहे हैं, अगर नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होंगे तो सुप्रीम नहीं रहेगा। यानी झूठ बोलने को नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है, एक मिनट मैं साल से समझाता हूं। आपने कहा ना उसकी क्या रीजन है, कॉमन सेंस रीजन है उसकी, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा झूठ बोलने को आप अच्छा समझते हैं? नहीं, पर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर ऑब्वियसली जनरली नहीं, सिचुएशन पे मगर नहीं जनरली, यानी मैं कह रहा हूं कि जेनेरिक एक स्टेटमेंट उस पे है, ऑब्वियसली मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, जेनेरिक स्टेटमेंट ये है कि बुरी बात ऐसे ही है, बिल्कुल है, तो वो उसको नहीं बोलना चाहिए, वो बिल औला नहीं बोलना चाहिए उसको। अमित सर, मैं थोड़ा इनसे बात कर लूं प्लीज? सीकर भाई एक मिनट रुकिएगा जरा, अगर कुछ सुनाते मैं आपको मौका दूंगा। हां तो ठीक है, आप रुकिए, माइक म्यूट रखिएगा। अगर एक इंसान में बैड क्वालिटीज हैं तो उसके खुदा में वो बैड क्वालिटीज होनी जरूरी है, वरना उसने अपने क्रिएशन को ऐसी पावर दे दी जो उसके खुद के पास नहीं है। ओ अच्छा 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 अच्छा, हजरत आप इनका सवाल समझे? इनका सवाल तो मैंने पहले डीबंक कर दिया है। इसको देखें भाई, इसको बोलते हैं कियास औला, और कियास औला कहते हैं कि चूंकि हम खुदा को, जो हमारा खालिक है, उसका सुप्रीम बीइंग होना जरूरी है, सुप्रीम के लिए जरूरी यह है कि जो नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स इंसान या मखलूक के अंदर हैं वो खुदा के अंदर बदरजे औला और बदरजे अतम मौजूद हों। अगर हमारी बैड क्वालिटीज खुदा के अंदर बदरजे औला मौजूद होंगी तो खुदा सुप्रीम नहीं होगा, बल्कि वो हमसे लोअर होगा, जबकि हम उसको सुप्रीम मानकर चल रहे हैं। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंसिकल आर्ग्यूमेंट है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लें, फिर आप उस पर कीजिएगा। जो आपने कहा है ना कि बात आपने की है, वो बजाहिर लगता है कि मिसाल के तौर पे एक बंदा किसी चीज के अंदर कोई चीज बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो सलाहियत है उसके पास है, वो तभी उनको देगा ना जब उनके पास भी होंगी, या जो उनको दे रहा है ये लाजम व मलजूम नहीं है। फिर भी एक मिनट के लिए मानते हुए, यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्शन है वो ये है, जो मुफ्ती साहब की तरफ से आया, वो ये ऑब्जेक्शन है कि एक खालिक, एक बनाने वाला, वो उन चीजों को जिनको वो उसकी मखलूक ही नुक्स समझ रही है, ऐब समझ रही है, नेगेटिव चीज समझ रही है, वो उसके अंदर कैसे होगी? अच्छा, नंबर एक। नंबर दो ये है, खालिक का मखलूक से जुदा होना और उससे बेहतर होना ये लाजमी चीज है, जब हम उसको इटर्नल क्रिएटर कहते हैं या इटर्नल हम उसको मानते हैं, हमेशा के लिए वो सुप्रीम है, ये कंफर्म कॉमन सेंस की बात है कि उसके अंदर वो डिफेक्ट्स वो ना हो, वो कमियां ना हो। बिल्कुल सही। जो हमारे जो एथिस भाई आए हैं, जो ये दावा या जो भी आर्गुमेंट दे रहे हैं वो एक लॉजिकल फैलेसी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इस लॉजिकल फैलेसी से आप निकले, चूंकि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम बीइंग है,
दूसरी तरफ आप उसके अंदर रुयूब को मान रहे हैं तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है। तो ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कि आपने किसी सर्कल को आपने किसी सर्कल को स्क्वायर कर दिया हो, कहा कि ये स्क्वायर है, सर्कल भी है स्क्वायर भी है। अच्छा अब सुने दो सेकंड जरा। तो यहाँ पे मैं, मेरा पॉइंट ये है, तीन क्वालिटीज है, एक है इटर्नल, एक है सुप्रीम, और तीसरी है क्या बोलते हैं, क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। तो अब इन तीनों में से एक टाइम पर दो हो सकती हैं मेरे हिसाब से, उसको आप कैसे कहेंगे कि नहीं है? तो अगर वो क्रिएटर इटर्नल है तो वो या तो सुप्रीम है, तो फिर वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, इटर्नल नहीं है वो, अगर क्रिएटर है और सुप्रीम है। क्यों? अगर उनमें से क्यों, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? नहीं समझ रहे हैं। नहीं हम समझ ही नहीं रहे, समझाइए। इस तरीके से लें कि एक बहुत बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, तो जो ट्रायंगल के अंदर का जो एरिया है वो सर्कल के अंदर होना जरूरी है। ठीक है, ओके। फिर तो इस तरीके से अगर इंसान के अंदर बैड थॉट्स लाइक लस्ट है, नहीं एक मिनट, आपने क्रिएटर में होना जरूरी है? नहीं, आपने एक सर्कल खींचा है, उसके अंदर ट्रायंगल है, ठीक है, उसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। इसको आप इन तीन चीजों के साथ जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक करैक्टरिस्टिक है एक जात के अंदर, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो सुप्रीम और क्रिएटर होगा तो वो इटर्नल, यानी इटर्नल होगा तो या सुप्रीम हो सकता है या वो क्रिएटर हो सकता है, इनमें से दो में से आप एक को ले रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अगर आप सबसे पहले हैं दुनिया में, आपसे पहले कोई नहीं था, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके बाद आने वाली सब चीजें आपके रिजल्ट की वजह से हैं। तो आप ऐसा कुछ क्रिएट कर ही नहीं सकते हो जो कि आपके दायरे के बाहर है, यानी कि आपके सर्कल के बाहर है। आप जो भी क्रिएट करोगे अपने सर्कल के अंदर क्रिएट करोगे। आप असल में मिक्स कर रहे हैं मखलूक को और सिफत को। हम ये मानते हैं कि दुनिया के अंदर जो खैर और शर है, शर और खैर दोनों अल्लाह ताला की खल्क से हैं, लेकिन जो शर है वो अल्लाह ताला की सिफत नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इनको ट्रांसलेट कर पाएंगे आप अगर, तो मैं समझ पाऊंगा अच्छे से। देखें, जो वर्चू एंड ईवल, गुड और बैड, ये दोनों अल्लाह के क्रिएशन से है। अल्लाह ने क्रिएट किया है तो है, ना क्रिएट करता तो ना होता, लेकिन वो अल्लाह की सिफत यानी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्वालिटी नहीं है, एट्रीब्यूट नहीं है ईवल। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर ईवल एग्जिस्ट करता है, अगर ईवल एग्जिस्ट करता है तो वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो खुदा की सिफत होता। अगर हर एग्जिस्टेंस खुदा की क्वालिटी होता तो मैं और आप भी खुदा की क्वालिटी होते, लेकिन मैं और आप नहीं है। इससे यह साबित हुआ कि हर मखलूक का खुदा की क्वालिटी होना जरूरी नहीं है। जबरदस्त। एक और चीज विक भाई, जो आप जो आपने अब डायग्राम जो आपने डायग्राम दी ना, जो आपने सर्कल और ट्रायंगल, उससे भी ये गलती हो रही है। असल में गलती जो है ना, बेस उसको पकड़ लें विक भाई, क्योंकि वो गलती ये हो रही है। आप ये बेसिकली बयान कर रहे हैं कि खालिक जो है वो मखलूक, मिसाल के तौर पर एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो ऐसा है कि जैसे वो सर्कल, जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर है, उसका पार्ट है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो ट्रायंगल जो है सर्कल का पार्ट नहीं है, क्योंकि सर्कल के अंदर जो चीजें हैं वो सर्कल का पार्ट है। इसी तरह जो ट्रायंगल सर्कल के अंदर है वो सर्कल का पार्ट है, उससे बाहर नहीं है। इसी तरीके से अगर आप इसको उस पर इंप्लीमेंट करेंगे तो ये मिसाल गलत होगी। उसकी वजह यह है कि कुरान में अल्लाह ने अपने आप को अपनी मखलूक से जुदा कहा है। सूरह शूरा की आयत 11 में कहा है, लैसा कमिस्ली शय उन वहुवस समीउल बसीर, और भी कई आयतें हैं वो अपनी मखलूक से अलहदा है। तो यहाँ सर्कल और ट्रायंगल की मिसाल फिट नहीं बैठती। आप ये बेसिकली करना चाह रहे हैं कि चूंकि वो उसका हिस्सा है, एक सेकंड जरा मैं बता दूं। अच्छा, क्या आप सर्कल को खुदा समझ रहे हैं? मिसाल में क्या आपने सर्कल को खुदा बनाया है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, नहीं मैं मिसाल पूछ रहा हूँ आपकी, दायरा रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, खुदा नहीं बनाया उसको। नहीं ठीक है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? खुदा को। हाँ, खुदा के दायरे को। वो खुदा का दायरा खुदा से अलग है या खुदा है? खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स का दायरा है वो। खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स का दायरा है वो, तो खुदा की कैरेक्टरिस्टिक्स का तो कोई दायरा नहीं ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो लामहदूद है। आपने उसको दायरे में कैसे कर दिया? हां, तो उसको आप ब्लैंक शीट ले लो फिर, उसको ब्लैंक शीट के अंदर ट्रायंगल बनाओगे तो ब्लैंक शीट ले लो फिर, अगर आपको इतना लिटरल लेना है तो। ठीक है, तो वो ब्लैंक शीट है, ठीक है, यानी लामहदूद है। अब उसमें आपने एक सर्कल खींचा, वो सर्कल कहां से आया? खुदा के बनाने से आया ना। चलो इतना मान लेते हैं खुदा, वो ट्रायंगल जो है खुदा के बनाने से आया ना। आया, ठीक है, लिहाजा खुदा की मखलूक हुआ ना। हाँ हुआ। तो फिर उसके अंदर जो खैर और शर है दोनों के दोनों खुदा की मखलूक हुए, तो फिर खुदा की सिफत कैसे कह रहे हैं आप उनको? एक सर, आप सिफत और उसका ट्रांसलेशन बता दो मेरे को, सिफत का नहीं पता मुझे ट्रांसलेशन। भाई देखें, सिफत कहते हैं एट्रीब्यूट क्वालिटीज,
और मखलूक क्रिएशन, सिंपल सी बात है, ठीक है ठीक है। तो आप खुदा की मखलूक को खुदा की एट्रीब्यूट मानकर चल रहे हैं, यही आपकी गलती है। तो फिर आपको सर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो मखलूक है उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो खुदा के दायरे के बाहर है। नहीं, वो खुदा के क्रिएट किए हुए हैं। तो क्रिएट करने से कैसे दायरे से बाहर कैसे हो जाएंगे? खुदा के क्रिएट किए हुए हैं वो। अच्छा चले एक एक मिनट, चले दायरे के, एक मिनट दायरे के अंदर करते हैं, मतलब पार्ट नहीं है ना, दायरे के अंदर भी कर लें एक मिनट के लिए। आपकी मिसाल को लेते हैं, हालांकि वो ठीक नहीं है, मगर एक मिनट के लिए आपकी बात को मान के दायरे के अंदर है, उसका पार्ट कैसे हो गया, उस पर वो इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, यही तो सवाल है असल में। इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे? इन्फ्लुएंस कैसे? मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका। मैं ये, आप ये कह रहे हैं कि एक मखलूक है, उस मखलूक के अंदर वो चीजें इसलिए एग्जिस्ट करनी, यानी कोई नेगेटिव चीजें भी हैं वो इसलिए एग्जिस्ट करनी चाहिए कि वो पहले वाले के अंदर हों, यानी खालिक के अंदर हों। मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीजें क्रिएट की गई हैं क्योंकि उनको प्लान इस तरीके से किया गया। दैट डजंट मीन कि क्रिएटर के अंदर भी वो चीजें होनी चाहिए, उसका जरूरी तो नहीं है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो क्रिएटर के अंदर नहीं है वो चीजें, पर तो नहीं है तो उसका मतलब वो खुदा के दायरे से बाहर है। क्यों वो नहीं है? क्योंकि वो क्रिएटर पे बाय डेफिनेट उसके कैरेक्टरिस्टिक पे या उसके कैरेक्टर के ऊपर होनी ही नहीं चाहिए, वो ऐब है। आपका ऑब्जेक्शन उस वक्त सही होता कि अगर हम खालिक और मखलूक को मुत्तसिल यानी कनेक्टेड मानते। हम तो खालिक को मखलूक से अलहदा, मखलूक को खालिक से अलहदा मानते हैं, लिहाजा और जुदा मानते हैं कि जुदा मानते हैं। अब उसने जो दायरा बनाया है वो तमाम की तमाम बुराइयां उस दायरे में है, वो बुराइयां भी उसी ने क्रिएट की हैं। जिस तरह अच्छाइयां उसने क्रिएट की हैं, बुराइयां भी उसने क्रिएट की हैं और उसकी अपनी विजडम की वजह से क्रिएट की हैं, लेकिन वो बुराइयां उसकी सिफत नहीं है। तो सर आप मुझे अगर लॉजिकली सोचेंगे तो अगर आप पहले हैं तो आप ऐसी कोई चीज क्रिएट कर ही नहीं सकते जो आपका खुद का एट्रीब्यूट ना हो। क्या क्यों? क्यों वो इसमें वो इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कियासुल, इसको कहते हैं कियासुल गायब अला शाहिद। आप इसको, आप खुदा को मेरे और आप जैसा समझ रहे हैं। जब आपने खुदा को कादिर मुतलक मान लिया, ओमनीपोटेंट मान लिया, तो क्यों नहीं क्रिएट कर सकता भाई वो? अगर नहीं कर सकता तो फिर वो मुझे और आपको भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं और आप भी नहीं थे खुदा के पास। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ ना। फिर तो ये जो आपने तस्वूर किया कि नहीं नमूना होना चाहिए, ये तो इसका मतलब खुदा साइंटिस्ट को ही है, उसके पास पहले से नमूना होगा, उसके एतबार से वो बनाएगा। वो खुदा ने अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक क्वालिटी है मुबदिया, कि उसने बगैर किसी नमूने के आदम से वजूद बख्शा है, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस दिया है। यही तो फर्क है मैं और मेरे और खुदा के दरमियान, कि मैं नमूना देखकर बनाता हूँ, इसलिए मैं खालिक नहीं हूँ। एक सेकंड, जो आदम थे पहले इंसान जो थे, उनका उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज थी, क्या वो अल्लाह से कम थी क्या ज्यादा थी? अच्छी अगर क्वालिटीज थी और थी यकीनन थी, तो वो अल्लाह से कम थी। तो फिर बुरी क्वालिटीज अल्लाह से ज्यादा कैसे हो गई? बुरी क्वालिटीज अल्लाह में है ही नहीं, वो अल्लाह की क्रिएट करता है। मैं नीचे उतार दूंगा, कोई और ना बोले, ठीक है? स्ट्रीम के अंदर ना इस तरह नहीं, हजरत बैठे हुए हैं, हम लोगों को डील करने दें, हमें बात करने दें, मैं उतार दूंगा इस तरह, ठीक है? अच्छा, हजरत ने जो बात की है ना विक भाई, उसको जरा इस तरीके समझे। आपने जो बात की ना अल्लाह से ज्यादा है या कम थी, अच्छी, तो वो अल्लाह से कम थी, अच्छी। आपने कहा नेगेटिव जो है वो ज्यादा है या कम थी, ठीक है, अगर वो थी उनमें और उनमें अल्लाह में कम थी, नेगेटिव तो है ही नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, ये चीज बताओ, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट ही एक प्लान के तहत किया था कि उनमें वो नेगेटिव चीजें भी होंगी, पॉजिटिव भी होंगी, उसका प्लान ये था। अब जब आपने कहा कि उसमें वो थी नहीं तो कैसे किया, तो उसकी मिसाल दे दी कि अल्लाह की एक सिफ्त है, करैक्टरिस्टिक है, एक एट्रीब्यूट है, जिसको कहते हैं अलमुबदी, अलबदी। अलबदी का मतलब है एक ऐसा जो चीजों को शुरू करता है। अलमुबदी का मतलब है चीजों को वहां से शुरू करता है जहां वो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको कहते हैं अदम से वजूद, फ्रॉम नथिंगनेस से उसको लेके आया। तो एडमलेस जो आदम अलैहि सलाम है या इंसान है, उनको बनाने का प्लान ही ये था कि इनके अंदर नेगेटिव भी होंगी, वो उसने खुद कहा हुआ है, ठीक है। वनफ्सुम वमा सवाहा फअलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा हदैनाहुन नजदैन इम्मा शाकिरों इम्मा कफूरा। कुरान में बयान किया गया इंसान को प्लान ऐसे, उसका सॉफ्टवेयर इस तरह बनाया गया है, ये नेगेटिव चीजें भी है, पॉजिटिव चीजें भी है। अब आप कह रहे हैं अल्लाह में क्यों नहीं है, तो वो शुरू करने वाला उस चीज का, उसमें नहीं है ये चीजें। जो इन्हें एक आमिर भाई रूल बताया ना, कि इन जनरल ऐसा लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, आपके पास सोचना इसके बारे में। आपकी लॉजिक डिस्टॉर्टेड है, वो आपके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है इसको कहते हैं लॉजिकल फैलेसी, आप लॉजिकल फैलेसी में हैं। उसकी वजह मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कौन सी वाली? आपकी पूरी लॉजिक लॉजिकल फैलेसी है। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, एक एग्जांपल देने लगा हूँ आपके सवाल, क्योंकि वो शायद सवाल जी सवाल देता हूँ।
विक जो आप अपने फादर की क्रिएशन है ना, टेक्निकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में कितने माँ बाप हैं जो हेल्दी होते हैं मगर उनका बच्चा जो होता है वो हैंडीकैप्ड होता है? अगर उन माँ बाप के अंदर वो चीज है ही नहीं है तो वो बच्चों को कैसे दे दिया? क्योंकि वो फर्स्ट लिविंग नहीं है, वो एटर्नल नहीं है, तो वो नहीं दे सकते।